मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीतामढ़ी पहुंचे, जहां से वो बीजेपी के दिवंगत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के घर कोरियाही गांव पहुंचे। राज्य के प्रमुख नेता और जनता के प्रिय प्रभात झा के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभात झा का निधन केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विचारधारा और सिद्धांतों का नुकसान है। वो न केवल एक सक्षम नेता थे बल्कि समाज के प्रति उनका सेवा और समर्पण अद्वितीय था। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर 150 से ज्यादा मिनी स्टील प्लांट में काम बंद है। मिनी स्टील एसोसिएशन ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बताया कि छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील प्लांट संकट में हैं। अब बिजली दरों में वृद्धि से उनके बिल 25% बढ़ गए हैं। ऐसे में उन्हें इससे राहत चाहिए। अब उन्हें 2 अगस्त तक का भरोसा दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योग बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर लामबंद हैं। उद्योगपति बढ़ी हुई दरों को लेकर 29 जुलाई की रात से उत्पादन पर रोक लगाकर सरकार से बढ़ी हुई मांगों को कम करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में आपको बता दें कि छोटे करीब 150 से 200 स्टील प्लांट बंद हो गए हैं। ये प्लांट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। तो वहीं स्टील इंडस्ट्रीज के उद्योगपतियों के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। बैठक में कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया। ऐसे में अगली बैठक 2 अगस्त को करने का फैसला लिया। किस तरीके से ये प्रभाव पड़ेगा और कितने लोग इससे प्रभावित होंगे और क्या मांगे थी? देखिए, छत्तीसगढ़ देश में 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है कि हमारे देश में हम सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली और ज़्यादा बिजली का प्लांट है, पावर प्लांट है यहाँ पर। और स्टील के लिए हम देश में दूसरे नंबर पर आते हैं जहाँ स्टील का उत्पादन होता है। लेकिन अभी पिछले 1 जून से जो CSPTCL ने बिजली में 25% की वृद्धि कर दी है, उससे उद्योग बहुत खराब स्थिति में आ गए हैं। हम दूसरे स्टेट से, क्योंकि हमारे स्टेट में जो स्टील प्रोड्यूस होता है उसका 85% स्टील हमको दूसरे राज्यों में कॉम्पिटिशन में दूसरे स्टेट में हम सेल करते हैं और उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। हमारा कॉस्ट लागत हमारी 25% से हमारे 2,500 रुपये टन की कॉस्टिंग बढ़ गई है, जिसके कारण हम दूसरे राज्यों से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी की वजह से हम पिछले 20 दिनों से सरकार से, हर मंत्रियों से और अधिकारियों से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको कन्विंस भी कर दिए हैं कि ये इससे हम छत्तीसगढ़ पिछड़ जाएगा और यहाँ के उद्योग के लिए जो जाना जाता है वो बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने भी बातें करी हैं और अभी तक लेकिन कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला है कि ये काम कैसे होगा, कब से होगा। तो इस करके आज 12 बजे से रात के आज 29 तारीख को हमने निर्धारित किया है कि आज 12 बजे से हम अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे। और अब आपको बताते हैं कि भारत में स्टील उद्योग को लेकर छत्तीसगढ़ की आखिर भूमिका क्या है। स्टील उद्योग में छत्तीसगढ़ की भूमिका। छत्तीसगढ़ में 800 से ज्यादा स्टील प्लांट हैं, 150 से ज्यादा मिनी स्टील प्लांट संचालित हैं। ओडिशा के बाद स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर। देश में स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का 22% योगदान। और अब आपको बताते हैं स्टील उत्पादन में बिजली की आखिर कितनी खपत होती है। स्टील उद्योग में बिजली की खपत 1 टन स्टील उत्पादन में 1200 से 1500 यूनिट तक की खपत। 1 टन स्टील उत्पादन में 2 से 2500 रुपए उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। बढ़े हुए दामों से 1 यूनिट की दर 7.60 रुपए तक पहुंच जाएगी। पहले 6.10 रुपए प्रति यूनिट के करीब थी। बिजली दरों के बढ़ने से उद्योग एसोसिएशन का कहना है कि ये दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं अब नजर है साय सरकार के साथ होने वाली 2 अगस्त की बैठक का। बैठक में क्या हल निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।